नवरत्न तेल। अरे वाह, इससे अच्छी चीज क्या चाहिए तुम्हें, बाहर होके भी नवरत्न तेल मिल जाए तो 100%। बहुत सारे बाल टूट रहे हैं मेरे। ट्रीटमेंट करना होगा? नो ट्रीटमेंट, ट्रैवलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल। बाबा तुम्हें हिंदी पूछते? अरे बढ़िया, बिल्कुल समझ में आता है हिंदी पूरा पूरा। अरे यार इतनी मेहनत क्यों करवा रहे थे? ये घूमता रहता हूँ ना तो इस वजह से बाल टूट रहे हैं, तो एक बार कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाता हूँ क्योंकि पानी चेंज होता रहता है ना हर जगह। जो है उसको रखना होगा, बाकी जो चल गया वो तो गया। हाँ। मगर जो है उसे टिकना के रखना। सच बात, खाली हो गया तब तो स्टेडियम खाली हो जाएगा। देखना खाली हो रहा है क्या अभी से? होने लगा है ना? ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट चांदी अभी नजर आ रहा है, कुछ दिन बाद पूरा चांदी के मैदान है नजर आने लगा। क्या करूं बता ना फिर? अच्छा नहीं आएगा? 100% जो चल गया उन्होंने आएगा, मगर जो है वो उसको बचा के रहना। हाँ ये सबसे बढ़िया। हाँ ऐसे ही जो होता तो बहुत टूटी पत्ती है, सही बात है, सही बात है। तो एक एक इधर का चूल लेके यहाँ पर नहीं लगाता। सबसे महत्वपूर्ण जीनिस है ग्रेविटी, कोई अलग काजू नहीं है। तो पता नहीं क्यों आदमी का जमाना का आदमी का कभी भी देखे तो चूल गिर जाते हुए नहीं, हमारा जमाना में क्यों देख रहे? क्योंकि खाना पीना सही नहीं है, घूमना इधर सब बेचारे हम लोग खाते हैं। हम लोग सब बासी जीनिस खाते हैं, केमिकल दिया हुआ जीनिस खाते हैं, तो हमारा खराब हो गया ना तो क्या होगा? हम इसका लगेगा सफेद नहीं देखता मेरा, देख हार्ट में समस्या हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता। क्यों अभी मैं आके खाया क्या हूँ? मैं भी तो पास्ता ही खाया हूँ, बर्गर खाया हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिया हूँ, तो इसमें कुछ अच्छा थोड़ी है। सब फास्ट फूड में ऑयली तो जो खाओगे वो भुगतोगे। बेस्ट फूड गिवर मदर्स मीट, मदर अम्मी के हाथ का खाना। अच्छा हाँ, घर का खाना तो सही बात है, फेमस ही है और हेल्दी भी है। कम से कम हम खाना लेके आते थे तो आज खाली होटल में जाके खाया, कल भी नहीं खा के। अरे आज पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या है, बंद है, ओपोजिशन पार्टी स्ट्राइक किया है तो उस सब हम लोग को ध्यान में देके रात। अच्छा मैं गुलशन जाऊंगा, गुलशन जाना है, गुलशन वन जा सकता हूँ? बस चल रहा है, सी एन जी ना पाठो क्या है? बाइक राइडर। अरे अच्छा बाइक जा सकते, बाइक से जाने से किसी देरी नहीं लगेगा, टाइम जमीला भी नहीं है, जल्दी पहुंच जाएगा। और कैसे बुक करना है वो मिलेगा कहीं? तो आप कहाँ पर से करना है? यहीं से पीछे रहता हूँ, यहीं से करना है। गुलशन के नंबर जाना है आपको? गुलशन वन और टू। वन और टू दोनों दूर दूर हैं क्या? नहीं दर्शन के लिए। हाँ ऐसे घूमने के लिए ब्लॉग बनाऊंगा अपना, यूट्यूब ब्लॉग बनाऊंगा अपना। ब्लॉग है आप? हाँ इसलिए बांग्लादेश आया हूँ। सबसे बेहतरीन जगह से जाए ब्रांडेल। हाँ ब्रांडेल। ये क्या है? क्या है? पेरिस शहर का नाम बताया मैंने। ये पेरिस में? पेरिस कहाँ? फ्रांस। अच्छा मैं सोचा बांग्लादेश की बात कर, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे तो बहुत सारी कंट्री। मैं सोचा ब्रांडेल पेरिस पेरिस करके कोई ढाका में भी जगह है। ब्लॉगर के लिए आपके लिए सोचा ही रहेगा, आपको गुलशन ले जाके जिया बारी। जिया बारी
दियावारी चल रही है उस सब जगह हुआ सबसे अच्छा। दियावारी में क्या है ब्लॉकेट के लिए ये है कि अब जो ब्लॉक वाला जो बनाइएगा आपको तो एक लोकेशन चाहिए, प्लेस चाहिए, कुछ है ठीक है ना, उस जगह पे पाइएगा। साथ में इंसान में रहने से उस जगह जाने से समस्या है। चोरी चका रही है क्या? खड़ा करके ठेका के लिए सब रख देगा आपको। अच्छा सही है, फिर तो नहीं जाना चल रही है। हाथी जी अयोध्या भर तो भालू देगा, भालू जगह से तुम मुझे के भाई देखो আমি ওই জায়গায় 9.5 বছর এলাকায় থাকতে আইছি, এলাকায় আড্ডা দিয়ে আইছি, পূর্বাঞ্চল মিল মার্কেট মিলা মার্কেট সব ঘুরে আড্ডা দিয়ে। তো ভাই ये कह रहे हैं सेफ नहीं है वो अकेले जाने के लिए है दियाबारी जगह। साथ में आदमी जाए तो सही है, सही है, लोकल आदमी है रहेगा तो अच्छी जगह है वहाँ पर। वरना से नहीं हाथी जी, हाथी जी कितना दूर है यहाँ से? वही आपको देखिए करीबी है और गुलशन से करीब है, गुलशन से करीब है, आप वहाँ से आप गुलशन भी जा सकिएगा। मैं गुलशन अभी पहले गुलशन जाऊंगा, गुलशन 1 और 2, क्योंकि गुलशन 1 और 2 बढ़िया शहर है, बहुत अच्छा शहर है। ढाका का तो बेस्ट है ना अभी तक। VIP एरिया है तो वो दिखाएंगे लोगों को, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए। डायमंड नहीं के लिए सब जगह भी बहुत सिटी है, ब्रिज है, हाथी तरह के हाथी भी है कि बिल्डिंग वो ऐसे ही है जगह का नाम। अच्छा आप देखिए सब जगह तो इतना खूबसूरती है जो वेदर के टाइम में इस वेदर के टाइम में इस जगह जाके मजा आया। और ना चल जाइए यहाँ से मावा, मावा हाँ बहुत ऐसे तो पूरा ब्रिज दिखा सकेगा नदी। अच्छा बांग्लादेश में और क्या क्या अच्छा? चित्तगोंग अच्छा है ना? सीताकुंड से जाइए, चित्तगोंग नहीं नहीं हाँ चित्तोग्राम ही है वो, वहाँ पर मेरे को बहुत देख सबसे खूबसूरती जगह है सीताकुंड। सीताकुंड आपके इंडिया ने इलाका इंडिया दिखा देगा। अरे वाह मेरे को वो देखना है शिपिंग शिप डंपिंग यार वहाँ पे वो भी पे। कितना टाइम लगता है चित्तगोंग यहाँ से? मैक्सिमम मेरी होने से पहले के 5 घंटे 8 घंटे टाइम की जगह 6 घंटा अभी अभी 8 घंटा लगता है। और बस कितना रुपए लेता है? बस ये ला एग्जैक्टली नहीं बता सकते। और मिलेगा कहाँ से बस? सेमोली से जा सकते हैं, जात्रावाड़ी से जा सकते हैं। नहीं जगह कौन सी जगह से? कौन सी जगह से सेफली जा सकेगा? सेमोली से सेफली जा सकेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। जात्रावाड़ी जाइएगा बस 17 घंटे तक से जाइएगा, उधर समस्या हो सकता है, सब इलाका सही नहीं है, छोटे छोटे सिंचड़ानी बेसी होता है। हाथ में गुलिस्तान एरिया की तरफ से जाइएगा तो उधर से झमला क्या होगा आपका, फोन हाथ से था पते के लेके चल जाएगा, छुरी टिका देगा, टिका देगा। तो आपको दियाबारी की तरफ जहाँ बोला ना वहाँ पे भी यही है, आप निकल के आइएगा, आपको बुलाएगा इधर आओ। तो कहाँ से? इंडिया से। अब बोला इंडिया से आया, बोलेगा इधर आओ, क्या क्या है तुम्हारा पास, सब निकालो, निकाल के देख के हो बोलेगा, अब रख के तुम चुप से खड़ा रहना, किसी को कुछ बोलना नहीं, चुप से हटो, एक समस्या में पड़ जाना होगा। तो ये सब चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर लोग ऐसे भी लूट लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जगह जगह पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया खराब है बांग्लादेश खराब है, लोग हर जगह ऐसे होते हैं। नहीं सब इंसान की थिंकिंग एक ही सेम 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 सेम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश में सारी जगह ऐसा है, ऐसा नहीं है इंडिया में सब जगह ऐसा ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, सब लोग जगह पे हर एक कंट्री पे हाँ पांच उंगली एक समान नहीं होता। अरे हिंदी में बढ़िया डायलॉग बताया भाई, पांच उंगली एक समान कहीं नहीं है। यहाँ आपको जैसे शॉर्टकट बोल दिया हम लोग, अरे जून जाइएगा, अरे जून उल्टा रास्ता दिखा देगा, कुछ करने का नहीं। हाँ गूगल पे कुछ उधर उधर दिखा दिया, फंसा मैं वहीं जाके। मैं बंगाली है, हमारा बंगाली है, एक व्हाइट बॉल एक होता है नो, बांग्लादेश में सहज रास्ता का हम ही लोग भुक्ति भुगी हुआ, आप क्यों ना बोल। सही बात है, कल रात को भी मैं यहाँ आया जब मेरे को भी बड़ा आया, इधर ही फर्स्ट दिन आया भाई, बहुत 8 नंबर दिन हमारा 11 नंबर पड़ा है, हमको 11 नंबर भी भेज दिया गया। कल मैं 12 नंबर से 17 नंबर पहुंचा, फिर रात को 2:30 बजे पहुंचा यहाँ। दूर दूर यहाँ पर कहाँ इंडियन बिल्डिंग में? नहीं ये 12 नंबर हाउस नंबर 12 है क्या नाम?
आपका नाम? दीपक नाम है मेरा। दीपक। और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद सांबर। ट्रैवल विद सांबर। एक सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। मैं लिंक कैसे भेजूंगा? मैं लिंक कैसे भेजूंगा? तुम फोन है? यस। दो ना, मैं लिख के देता हूँ। लिख के देने से अपने भाई वरना मेरा आईडी मेरे टिकटॉक में भाई आएगा। आपने भी बना रखा है क्या चैनल? नहीं, एमबी नहीं है, वाईफाई। अच्छा, वाईफाई नहीं है, बट ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कहीं ना कहीं। आप भी आने वाले हो? अरे वाईफाई भी है यहाँ तो आपके पास है, इसलिए तो मैं आपको दिया। वाईफाई चला गया, सर्च नहीं कर रहा। रैली मैंने अब हेड मसाज अपने लोकेशन पे जा रहा हूँ। सो यहाँ पर भी बांग्लादेशी, आपको पता है वो पाकिस्तानी से वैसे ही कितना चिढ़ते हैं, पहले भी चिढ़ते थे और अभी भी चिढ़ते हैं। वही जो रीज़न था तब जब डिवाइड हुए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब डिवाइड हुए थे तब भी वही चीज़ था कि हमारे लिए वो बहुत दूर जगह है, हमें कोई पहचानेगा नहीं। सेम आंसर यही है।